झारखंड मुक्ति मोर्चा कमेटी ने शनिवार को केंद्र सरकार व ईडी के खिलाफ आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन व जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। गुमला विधायक भूषण तिर्की के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। प्रदर्शन में केंद्र सरकार व ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। गुमला विधायक के आवास से हजारों की संख्या में जुलूस की शक्ल में मेन रोड होते हुए गुमला कचहरी चौक धरना स्थल पहुंचे, जहां सभी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुमला विधायक भूषण तिर्की ने कहा कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, इससे राज्य की सरकार को परेशान करने का भी काम कर रही है। ये पूरा झारखंड की जनता और देश की जनता जान रही है, जो किस लिए धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम पूरे राज्य के 24 जिला में रखा गया है। आप सभी जान रहे हैं कि झारखंड राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासी मुख्यमंत्री बनना इस राज्य के लिए नहीं बल्कि इस देश के लिए एक पाप साबित हो गया है, जैसा देश के लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन झारखंड के लोगों का राज्य में एक बहुत मुद्दत और बहुत लंबी लड़ाई के बाद राज्य में एक काबिल व्यक्ति आज राज्य का मुख्यमंत्री बना है, और वो काबिल व्यक्ति इस राज्य का शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन इस राज्य का बागडोर संभाला है। इस राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी होने के चलते आज राज्य के और राज्य के साथ साथ देश के अन्य प्रदेशों में जहाँ भाजपा शासित राज्य है, भाजपा शासित राज्य के लोगों को ये झारखंड का आदिवासी का बेटा, मूल माटी का बेटा, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे ये झारखंड के गद्दी पे काबिज हो गया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।